नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डीडीए का फ्लैट लेके आए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट रहेगा डबल एंट्री के साथ में, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, द्वारका सेक्टर 16B। ये जो आप पूरा का पूरा मेरे आसपास एरिया देख रहे हैं, सारा का सारा कार पार्किंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की यूनिट रहने वाली है जिसके ऊपर आपको कॉमन बैंक से लोन मिल जाएगा और प्राइस रहने वाला है मात्र 28 लाख रुपये। वीडियो में अंत तक बने रहें। बिल्डर फ्लोर पे पैसा लगाने से पहले आपके मन में ख्याल आता है कि डीडीए फ्लोर लिया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप डीडीए की प्रॉपर्टी सर्च आउट कर रहे हैं। तो चलिए सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद में आपको पूरा पूरा फ्लैट दिखाते हैं। तो दोस्तों, सोसाइटी का वॉक थ्रू हमने आपको कई बार दिया है, बट इस तरह का वॉक थ्रू हम आपको आज नए तरीके से दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये देना भी ज़रूरी है। जब आप आते हैं, आप केवल फ्लैट देख के चले जाते हैं, आपको नहीं पता लगता सोसाइटी के अंदर किस तरह का व्यू रहेगा, किस तरह की बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, एक छोटा सा सोसाइटी का टूर है। जब आप आएंगे हम आपको फ्लैट दिखा देंगे और सोसाइटी आप ऑन कैमरा देख लीजिए कि कितनी बड़ी सोसाइटी है। इसके अंदर आपको ग्रॉसरी स्टोर हो गया, छोटी मोटी दुकानें हो गई, उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको अंदर ही अवेलेबल है। एक दुकान मेरे पीछे थी, एक दुकान मेरे आगे है, यहाँ पे आपका हेयर सलून, सारी की सारी सलून सर्विसेज। और यहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस या फिर ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेते हैं तो उसे आप ऑफिस पर्पज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सीए हैं या फिर अगर आपका किसी भी तरह का एक ऑफिस चाहिए आपको, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप उसे ऑफिस की तरह भी प्लान कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा फ़ायदा हमें ये होता है। और जिस सोसाइटी के पार्क की बात कर रहा था, जो आपने शायद सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा, सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये है वो खूबसूरत बड़ा सा पार्क। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, सामने की तरफ आप गेट से देख सकते हैं। बस तो दोस्तों देखिए, इस तरह से परमिशन लेने के बाद में ही आप अंदर आ सकते हैं सोसाइटी के, और सामने हमारे मिल जाता है बहुत ही बढ़िया सोसाइटी का खुद का अपना मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर। सोसाइटी के अंदर एंटर करने के लिए आपको इस इतनी चौड़ी रोड से अंदर आने का रास्ता मिलता है, और अगर आप राइट या लेफ्ट में देखते हैं तो बिल्कुल चौड़ी मेन रोड से आप अपनी गाड़ी लेके आइए अंदर, और जहां मन हो वहां पे उसे पार्क कर सकते हैं। सोसाइटी से बाहर निकलते ही अगर आप एक बड़ा पार्क देखना चाहते हैं तो ये इतना बड़ा सा पार्क भी आपको सोसाइटी के बिल्कुल बाहर निकलते ही मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पार्क और ग्रीनरी इस सोसाइटी और इस फ्लैट के आसपास आपको भरपूर मिलने वाली है। सो दोस्तों, पूरी सोसाइटी आप देख चुके हैं कैसी होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमें मिल रही हैं। गार्ड मिल गया, आपने आपको कॉमन एरिया दिखा दिया, यहाँ का पूरा पार्किंग स्ट्रक्चर दिखा दिया है। सामने जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, इस ग्रीन एरिया को आप हमेशा अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होते हुए और बाहर निकलते हुए हमेशा देखेंगे। और ये जो सामने का कॉमन एरिया है, इसको भी आप अपने टू व्हीलर पार्किंग स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं हम अपने फ्लैट के अंदर। अब आपको बता देते हैं, ऑलरेडी जितनी एक्सटेंशन पॉसिबल थी या ऑलरेडी जितने चेंजेस पॉसिबल थे वो हो चुके हैं। जो टाइल वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा कवर्ड एरिया है। जो बालकनी थी उसको तब्दील किया गया है। फिलहाल इस फ्लैट में हमें दो एंट्रीज मिलती हैं, एक एंट्री सामने की तरफ है जो लोहे का गेट है, हम वहाँ से एग्जिट करेंगे अभी, और एक एंट्री हमें ये मिलती है। ये एंट्री सीधा हमारे किचन एरिया में जाती है और वो एंट्री सीधा पैसेज के थ्रू हमारे बेडरूम के अंदर जाती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से दाखिल होंगे हम अपने फ्लैट के अंदर। सबसे पहले आपको लेआउट यहीं से बता देते हैं, थोड़ा सा अंदर आके बताते हैं। सो दोस्तों, ये जो फ्लैट जिस एरिया में फिलहाल मैं खड़ा हूँ, ये एरिया हमारा लिविंग रूम रहेगा। एग्जैक्ट इसके पीछे थोड़ा सा आगे आएंगे आप, ये आपका बेडरूम रहेगा, और इसके ठीक सामने की तरफ आपका वॉशरूम, और यहाँ की तरफ हमारी किचन। जी हाँ, छोटा फ्लैट है जिसको एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट
40 square yards, 40 गज के आसपास का आपको कारपेट एरिया मिल जाता है इस फ्लैट के अंदर। और कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका पहला डोर वुडन डोर लगा हुआ है, बाहर जाली का डोर लगा हुआ है। कायदे से जब ये फ्लैट बना होगा DDA रॉ कंडीशन में, तो हमको ये वाला स्पेस जो मिलता है वो बालकनी स्पेस होता है, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है हमारे किचन एरिया के अंदर। किचन एरिया के अगर आप देखते हैं, सारा का सारा प्रॉपर आपको स्पेशियस एरिया मिलता है, 6x6 के आसपास, 6x6 का हमको मिल जाता है किचन एरिया, जिसके अंदर मार्बल लगा हुआ है, नीचे स्टोरेज बनी हुई है। स्टोरेज एक बार चेक कर लेते हैं, तो स्लैब बने हुए हैं प्रॉपर, ओवरहेड स्टोरेज हो गई। वेंटिलेशन के लिए देखिए, सामने बढ़िया आपको ये वाली विंडो मिल जाती है, ये नहीं कि कहीं पे छुपना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बढ़िया वेंटिलेशन, सामने आपका वॉशिंग एरिया और कुकिंग एरिया, और सबसे बढ़िया चीज़ IGL मांगते हैं आप अपने फ्लैट के अंदर, IGL आपको मिल जाएगा, पार्किंग आपको मिल गई, DDA से लोन मिल गया, गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन मिल गया, और क्या चाहिए। यहाँ से चलते हैं अपने वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में वेंटिलेशन इस तरफ है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगे हुए हैं। साइज़ की बात करते हैं, करीब करीब 4.5 फुट का एरिया, 6 फुट का एरिया, 4.5x6 के एरिया में हमें मिलता है विद टाइल्स, सारी फिटिंग्स के साथ में, बढ़िया वॉशरूम। यहाँ से आ जाते हैं हम अपने लिविंग एरिया के अंदर। अब थोड़ा सा पीछे जाके अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे फिलहाल ये सिंगल बेड लगा हुआ है। अगर ये सिंगल बेड ना हो गया, L टाइप सोफा लगा होता या फिर सिंगल सोफा भी लगा होता, ये बहुत बढ़िया आपको प्रीमियम स्पेस देता। नीचे की तरफ प्रॉपर टाइल्स लगे हुए हैं, ऊपर AC की फिटिंग्स लगी हुई हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को आप स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, और एल्स अगर आप अपने घर में बड़ा फ्रिज लगाना चाहते हैं तो इस स्टोरेज को रिमूव करके यहाँ पे बड़ा फ्रिज भी लगाया जा सकता है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा 6x6 का क्वीन साइज बेड। सामने की तरफ वेंटिलेशन, AC, विंडो सब कुछ लगा हुआ है, जो कि हमारी ही बालकनी पे ओपन होता है। इस बेड के लगने के बावजूद यहाँ पे आपको 6 फीट का प्रॉपर एरिया मिल रहा है, जहाँ पे दो बड़ी बड़ी अलमारियाँ रखी हुई हैं। अगर आप इन अलमारियों को हटा के एक वुडन वार्डरोब बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आपको स्लाइडर पूरा का पूरा ये डोर दिया गया। अभी फिलहाल मैं इसे छेड़ रहा हूँ, बट ये स्लाइडर है, आप भी इसको स्लाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस फ्लैट के अंदर थोड़े और चेंजेस कराएं, तो आप इस वाली विंडो को कंप्लीट फ्रेंच विंडो के अंदर तब्दील करके बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से ले सकते हैं। वेंटिलेशन आर पार है पूरी प्रॉपर्टी का, यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। ये वाला जो आप डोर देख रहे हैं, ये हमारे दूसरे फ्लैट का सेकंड डोर है। हर ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 एंट्री और 2 एग्जिट मिलती हैं। ये वाला डोर वो नहीं यूज़ करते हैं, परमानेंट क्लोज ही रहता है। तो यहाँ से हम बाहर आएंगे, इस गेट को भी मैं बंद कर देता हूँ। तो दोनों गेट्स में हमें लोहे वाला जाली वाला डोर और वुडन गेट, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। यकीन मानिए, पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर जो आपको कारपेट एरिया मिल रहा है पूरे फ्लैट का, ये ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो ये होता है 25 से 22.5 गज के आसपास, लेकिन यहाँ पे हमें कारपेट एरिया मिल रहा है 42 गज के आसपास। बालकनी देखिए कितनी बड़ी है, इसी बड़ी बालकनी को यूटिलाइज़ करके किचन और वॉशरूम को कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे आप पूरा का पूरा अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर ने बना रखा है, सॉकेट लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे आएंगे, पानी की फिटिंग्स सब मिल जाएगा आपको, और ये हमारी सेकेंड एग्ज़िट हो जाएगी, और हमने वहाँ से एंटर किया था। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है इस तरफ से, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा ओपन एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आप अपनी सेफली बाइक खड़ी कर सकते हो। ग्रीन व्यू, अगर आपके घर में बड़े हैं तो बाहर वाला पार्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला पार्क भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, द्वारका Sector 16B लोकेशन है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, पैसा वसूल प्रॉपर्टी। अगर आप इसको लेके रेंट आउट भी करते हैं फुल फर्निश्ड कंडीशन में, आपको बड़े आराम से 10,000 रुपये रेंट दे के जा सकते हैं, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी बहुत पास में ही है, मेट्रो स्टेशन बहुत पास में है, प्राइम लोकेशन है, और पूरी की पूरी सोसाइटी ऑक्यूपाइड है, अच्छी खासी भरी हुई सोसाइटी है। आशा करते हैं आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इंटीरियर डेकोरेशन या फिर किसी भी तरह का काम, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। ठंड बहुत हो गई है, टोपी पहन के रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने भी 2-2 जैकेट डाल रखी हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।